अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाहिदा परवीन हाजिर हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कद्दू की खट्टी मीठी और तीखी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी, जिसे आप पूरी और पराठे किसी के भी साथ खाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कद्दू की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम ये कद्दू लिया है और इसको मैंने अच्छे से पहले से ही धो लिया है। और अब हम कद्दू को इस तरह से कट लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कद्दू को दो पार्ट में काट दिया है और इसमें जो अंदर बीजे हैं ये आप देख रहे हैं, इन बीजों को मैंने निकाल दिया है, ये देखिए इस तरह से। और इसके मैंने इस तरह से पीस काट लिए हैं कद्दू के, और अब हम इसे क्यूब्स में काट लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सारे कद्दू को मैंने इस तरह से पीसेस में काट लिया है, थोड़ा मोटे टुकड़ों में मैंने इसे काटा है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज इस तरह से स्लाइस में काट लिया है, और साथ ही में दो छोटे टमाटर मैंने लिए हैं, थोड़ा मोटे टुकड़ों में काटे हैं रफली, और थोड़ा सा हरा धनिया है, और तीन साबुत लाल मिर्च है। और इसी के साथ थोड़ी सी इमली गर्म पानी में भिगो के रख दी थी। अब यहाँ पर मैंने ये कुकर ले लिया है और इस कुकर में मैंने जो कद्दू को काट के रखा था उस सारे कद्दू को मैंने इस कुकर में डाल दिया है। और इसमें मैंने ऊपर से एक छोटा चम्मच नमक डाला है और एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसमें दो सीटी ले लेंगे। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कुकर ठंडा हो गया है और दो सीटी हो चुकी थी, मैंने ढक्कन हटा दिया है। तो चलिए कद्दू को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, कद्दू तो वैसे भी बिना पानी के भी गल जाता है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा मसाले वाला कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो मैंने इसमें पानी को डाला है। आप वैसे ड्राई सब्ज़ी भी इसकी बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर मैंने गैस पे ये कढ़ाई रख दी है और इसमें मैंने 3 से 4 चम्मच तेल ऐड किया है। तो तेल यहाँ पे अच्छे से गर्म हो गया है, तो मैंने एक छोटा चम्मच भर के साबुत ज़ीरा इसमें ऐड किया है और फ्लेम को मैंने लो पे रखा है। और इसी के साथ एक छोटा चम्मच भर के मैंने इसमें सौंफ ऐड की है, और साथ ही में आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें मेथी के दाने डाले हैं, और 2 से 3 पिंच इसमें हींग ऐड की है। और अब यहाँ पर जो प्याज मैंने अभी आपको दिखाया था स्लाइस में काट लिया था, इसे भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने देंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है, तो मैंने इसमें 1 चम्मच भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है और इसे इसमें थोड़ा देर भून लेंगे। और इसी के साथ जो टमाटर मैंने काट के रखे थे वो अब मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो टमाटर को हम थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे। तो टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए मैंने इसमें 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन लगा दिया है। और यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो गए थे, देखिए टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं और इसमें से तेल भी काफ़ी दिख रहा है। तो इसे थोड़ा सा ऐसे चम्मच से मैश करके इसे चला लेंगे, और इसके बाद इसमें हम कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने 1 छोटा चम्मच भर के इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है, और साथ ही में 1 छोटा चम्मच भर के धनिया पाउडर ऐड किया है, और हल्दी को मैंने नहीं डाला है क्योंकि हल्दी को हमने कुकर में ही डाल दिया था। और यहाँ पर धनिया और मिर्ची को डालने के बाद हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मसाला काफ़ी अच्छे से भुन गया है। तो इसके बाद जो धनिया पत्ती मैंने काट के रखी थी उसे भी मैंने इसमें डाल दिया, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और सब्ज़ी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो धनिया को मिलाने के बाद मैंने इसे फिर से एक बार अच्छे से भून लिया है, और अब इसके बाद मैंने
थोड़ा सा एक छोटा आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें करौंजी ऐड की है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सभी मसाले काफ़ी अच्छे से कुक हो गए थे, तो मैंने जो ये कद्दू को बॉईल करके रखा था नमक और हल्दी में, इसे मैंने इसमें डाल दिया है कढ़ाई में। और कद्दू को तो हमने पहले ही गला लिया था, तो यहाँ पर इसे डालने के बाद मैंने इसमें एक छोटा चम्मच नमक डाला है। नमक मैंने पहले भी इसमें डाला था लेकिन मुझे थोड़ा कम लग रहा था। तो फ्रेंड्स नमक आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा रख सकते हैं, जितना आप नमक खाते हो। और इसके बाद मैंने अच्छे से इसको नमक को मिला दिया, और जो 3 साबुत लाल मिर्च मैंने आपको दिखाई थी उसे मैंने बीच से तोड़ के इस तरह से इसमें डाल दिया है। और इसके बाद जो इमली को मैंने आपको दिखाया था, तो उसे मैंने उसका पल्प निकाल लिया, उसकी बीजें मैंने हटा दी हैं, तो यहाँ पर मैंने इमली को इसमें ऐड कर दिया है। और आप ध्यान रखिएगा कि कद्दू की सब्ज़ी जब भी आप बनाएं तो इमली को पहले ना डालें, वरना वो नहीं गलेगी। और यहाँ पर एक आधा चम्मच मैंने इसमें चीनी को भी डाला है, तो आप इसकी जगह गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास गुड़ नहीं था तो मैंने चीनी का यूज़ किया है। और फ्रेंड्स आप चीनी या गुड़ दोनों को स्किप भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इससे सब्ज़ी में एक खट्टा मीठा और तीखा फ्लेवर आता है, तो मैंने चीनी का यूज़ किया है। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बन के परफेक्ट तरह से रेडी है, तो इसमें से अभी तेल नहीं रिलीज़ हुआ है, तो इसे हम ढक्कन लगा देंगे 5 मिनट के लिए। तो मैंने यहाँ पर ढक्कन लगा दिया है और गैस का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है, और 5 मिनट हो गए हैं, तो मैंने ढक्कन हटा दिया। और ये देखिए तेल इसमें काफ़ी ऊपर से दिखने लगा है। तो चलिए एक सब्ज़ी हमारी बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हो चुकी है, और चलिए इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और इसे आप पूड़ी या पराठे से खाएं तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये बाउल मैंने ले लिया है और इसमें सब्ज़ी को सर्व किया है। और फ्रेंड्स अगर रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और लाइक और शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी में फिर से जल्द ही मिलूंगी। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।